लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जय हिंद फ्रेंड्स वेलकम टू सक्सेस एक जिद और आज हम जानने वाले हैं कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में यहाँ पर हम इस युद्ध के कारण इस युद्ध की घटनाएं इस युद्ध का परिणाम और इस युद्ध का महत्व इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अगर आप कर्नाटक का प्रथम युद्ध और कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर उन दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करके आप कर्नाटक के प्रथम युद्ध और दूसरे युद्ध के बारे में जान सकते हैं यहाँ पर हम कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं अंग्रेजों ने पूर्व में भारत के साथ व्यापार करने के लिए इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की अनुमति से 31 दिसंबर सोलह ईस्वी में भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की इस कंपनी ने कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास के विभिन्न स्थानों पर अपनी बस्तियां स्थापित कर लीं अंग्रेजों के व्यापारी केंद्र अर्थात बस्तियों को फैक्ट्री अथवा कारखाना कहा जाता था जिनका प्रशासन गवर्नर तथा उसकी परिषद की देखरेख में चलाया जाता था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को फ्रांसीसियों ने चेतावनी दी उन्होंने सोलह ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की फ्रांसीसियों ने धीरे धीरे पांडिचेरी चंद्रनगर मोरिशस द्वीप आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने व्यापारी केंद्र स्थापित कर लिए अति अतिशीघ्र ही इन दोनों शक्तियों के बीच भारत में युद्ध आरंभ हो गए भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए अंग्रेजों तथा तो फ्रांसीसियों के बीच तेन कर्नाटक युद्ध लड़े गए अंत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और यहाँ पर हम कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले हम जानते हैं इस युद्ध के कारण कर्नाटक के दूसरे युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय के परिणाम स्वरूप कर्नाटक का तीसरा युद्ध लड़ा गया फ्रांसीसी अब आर पार के लड़ाई लड़ना चाहते थे दूसरा जो कारण था वो यह था कि यूरोप में सत्रह ईस्वी में फ्रांस था इंग्लैंड के बीच तो सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया भारत में भी दोनों कंपनियों ने युद्ध कर दिया अब हम जानते हैं इस युद्ध की घटनाओं के बारे में सत्रह सौ सत्तावन ईस्वी में पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करने के पश्चात अंग्रेजों ने फ्रांसीसी व्यापारी केंद्र चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली के भारत पहुंचने से पूर्व ही बंगाल पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया उसने जून सत्रह सौ अट्ठावन ईस्वी को सेंट डेविड के दुर्ग पर अधिकार कर लिया अब वह अहमद्रास पर भी आक्रमण करना चाहता था इसके लिए उसने बूसी से सहायता मांगी बूसी के हैदराबाद छोड़ते ही अंग्रेजों ने कर्नल फोर्ड की अधीनता में हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया सलावत जंग ने डर कर अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली और उसने अंग्रेजों को मौसलीपट्टम तथा उत्तरी प्रदेश प्रदान कर दिए इससे हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त हो गया सितंबर सत्रह ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर घेरा डाल दिया 1760 ईस्वी में वादिनवास नामक स्थान पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच अंतिम युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसी पराजित हो गए। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी भी छीन ली फ्रांसीसी गवर्नर लाली को बंदी बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया जहां उसकी हत्या कर दी गई अब हम जानते हैं इस युद्ध के परिणाम और इसके महत्व के बारे में सबसे पहले है कर्नाटक के तीसरे युद्ध के अंत में फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच सात वर्षीय युद्ध समाप्त हो गया और पेरिस की संधि हुई नंबर दो है पेरिस की संधि के अनुसार पांडिचेरी तथा चंद्रनगर फ्रांसी को वापस कर दिया गया परंतु उन्हें वहां के दुर्ग बनाने की अनुमति नहीं दी नंबर तीन है इस युद्ध में मिलिहार ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति समाप्त कर दी उनके व्यापार को भी भारी आघात लगा नंबर चार है इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया उन्होंने बंगाल हैदराबाद तथा कर्नाटक पर भी अधिकार कर लिया तो अब इन तीनों युद्धों से निष्कर्ष क्या निकला निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों के बीच कर्नाटक के तीन युद्ध लड़े गए इन युद्धों में यूरोप में दोनों देशों के बीच उत्पन्न हुए विवादों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की अंतिम दो युद्धों में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए भारतीय व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हो गया तो ये थी कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में और कुल मिलाकर तीनों युद्धों के बारे में कंप्लीट जानकारी उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और भी नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अगर आप कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में और कर्नाटक की दूसरे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है आप वो वीडियो देख सकते हैं तो जुड़े रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग जय हिंद बदन बदन मेरे